और अब बात दक्षिण की करते हैं। तेलंगाना में भी नेताओं के लिए आज की रात रत जगा होने वाला है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजों ने हैदराबाद की सत्ता में बड़े बदलाव का इशारा किया। एक दशक बाद दक्षिण से सबसे अहम माने जाने वाले राज्य तेलंगाना की राजनीति क्या मोड़ लेती है, ये तो नतीजे आने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन उससे पहले हैदराबाद के सियासी गलियारों में हलचल कैसी है, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद, वो शहर जिसे इतिहास की किताबों में निजामों के शहर का नाम मिला, वो शहर जहां सदियों पुरानी विरासत और आधुनिकता साथ साथ चलती है। उसी हैदराबाद की सत्ता पर कौन काबिज होगा, केसीआर की गद्दी जाएगी या बरकरार रहेगी? कांग्रेस का तेलंगाना में वनवास खत्म होगा या फिर चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, ये तो चंद घंटों बाद ही पता चलेगा। लेकिन हैदराबाद के सियासी गलियारों में आज की रात बेहद भारी है। जैसे जैसे रात गहराती जा रही है, बेगमपेट से लेकर चार मीनार के अहातों तक आने वाले चुनावी नतीजों का सस्पेंस भी गहराता जा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ दक्षिण के अहम राज्य तेलंगाना के चुनावी नतीजों पर पूरे देश की नजर है। हालांकि लगभग एक दशक बाद हुए एग्जिट पोल ने बीआरएस के चीफ केसीआर की टेंशन बढ़ा दी है और सवाल यहां ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या तेलंगाना में केसीआर के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। असल नतीजे क्या होते हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों से इशारा मिल चुका है, क्योंकि तीन एग्जिट पोल में कांग्रेस को क्लियर मेजोरिटी दिखाई गई है, जबकि बाकी सर्वे में भी कांग्रेस बीआरएस से आगे है। एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर केसीआर चुप हैं, लेकिन उनके बेटे केटीआर ने एग्जिट पोल के गलत साबित होने और 70 सीटें जीतने का दावा करते हुए ट्वीट किया कि लंबे वक्त के बाद चैन की नींद सोया। एग्जिट पोल के नतीजे भले ही बढ़ लें, लेकिन एग्जैक्ट पोल खुशखबरी देगा। वैसे क्या वाकई एग्जिट पोल के नतीजों के बावजूद सीएम चंद्रशेखर राव को संपूर्ण यकीन है, उन्हीं के घर के बाहर से जान लेते हैं। हम इस समय मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के आवास कैंप ऑफिस पर हैं, ये प्रगति भवन कहलाता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है ये तेलंगाना के राजनीति में। के चंद्रशेखर राव 2014 में जब तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा हॉल भी बनवाया जिसमें वो अपने लोगों से, कार्यकर्ताओं से मीटिंग करते रहे। अगर हम बात करें यहाँ पर पॉलिटिकल हलचल की, तो आप देख सकते हैं कि कैसे सिक्योरिटी यहाँ पर है और लगातार आज नेताओं के आने का सिलसिला चलता रहा। उन्होंने अपने जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त किया है अपने समर्थकों को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्वेज आए हैं और सर्वेज में बीआरएस के फेवर में चीज़ें उभर कर सामने नहीं आती दिख रही हैं। लेकिन इसका कोई असर, एटलीस्ट जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि केसीआर पूरी तरीके से निश्चिंत हैं। उनको पूरा भरोसा है कि तीसरी बार भी कार की सरकार, बीआरएस की सरकार तेलंगाना में आएगी। तेलंगाना के वजूद में आने के बाद से ही नए नवेले राज्य की कमान चंद्रशेखर राव के हाथ में रही। हैदराबाद से लेकर निजामाबाद और करीमगंज तक चंद्रशेखर राव ने अपनी 10 साल की योजनाओं को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हैदराबाद की राजनीति से नेशनल लीडर बनने का ख्वाब देख रहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM हमेशा के चंद्रशेखर राव के साथ रही। लेकिन इस दफा हैदराबादी भाईजान की राजनीति का रुख किस तरफ है? मैं इस वक्त हैदराबादी भाईजान ओवैसी के पार्टी मुख्यालय दारुल सलाम में मौजूद हूं। नतीजे से पहले वाली शाम में यहां खामोशी छाई हुई है। इसका मतलब ये न समझ लीजिएगा कि AIMIM की सियासी पतंग तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कट चुकी है। जनाब, ये हैदराबाद है और यहाँ की डोर तो भाईजान के हाथ में ही रहती है।
पिछले लगभग 10 साल की कार वाली सरकार की स्टेयरिंग भी ओवैसी ही चलाते रहे, और जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं उनके आंकड़े सच साबित हुए, तो हाथ वाली सरकार को भी भाई का साथ चाहिए होगा। तेलंगाना के नतीजे जो भी हों, असदुद्दीन ओवैसी पर शायद ही ज्यादा असर होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कांग्रेस सत्ता से कुछ सीटें दूर रह गई तो उसे कौन समर्थन देगा? क्या ओवैसी कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, वो भी तब जब पूरे चुनाव के दौरान ओवैसी कांग्रेस को कोसते रहे? एक बानगी सुनिए। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों यहां, हैदराबाद को आओ, दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाके प्यारे, लाओ जाके हजरत गूगल पर चेक करना, हजरत गूगल पर जाके चेक करना कि क्या कभी राहुल गांधी ने CAA कानून पर एक लफ्ज बोला। CAA कानून पर राहुल गांधी एक लफ्ज नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा हिंदुत्व का। होगा मेरे भाई, चार मीनार बनाने वाले, ताजमहल बनाने वाले, किले गोलकुंडा बनाने वाले क्या IT टावर नहीं बना सकते? तो क्या आप कांग्रेस को वोट देंगे जो मुखालिफत कर रही है? चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहे। अपनी हर रैली में राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा तक पर जमकर निशाना साधा। लेकिन अब नतीजों की घड़ी आ चुकी है। ऐसे में अगर एग्जिट पोल के नतीजे सच साबित होते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी की सियासत क्या रुख लेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तो जयपुर, भोपाल और रायपुर की तरह ही हैदराबाद के सियासी गलियारों में भी नेताओं की नींद उड़ी हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP News आपको रखे आगे।